आसमान छूता नजर आ रहा है, तो वहीं कई लोग इस महामारी का फायदा उठाने से बाज नहीं आ रहे हैं। संक्रमितों का इलाज में इस्तेमाल होने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। इसी के चलते इमरजी पुलिस ने कालाबाजारी कर रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी इंजेक्शन ब्लैक में बेचने आया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच इसके उपचार में एक तरह से संजीवनी माने जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर महामारी का दौर जारी है। एक इंजेक्शन की आस में मरीज के परिजन सुबह से लेकर शाम तक इंतजार कर रहे हैं। वहीं अब इस इंजेक्शन की कालाबाजारी के मामले भी सामने आने लगे हैं। इसी कड़ी में इमरजी पुलिस को एक फरियादी ने सूचना दी थी कि एक व्यक्ति उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में देने आ रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह इंडेक्स कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ में पदस्थ है। उसका नाम सोहेब शेख है। वही पकड़े गए आरोपी के पास एक रेमडेसिविर इंजेक्शन भी पुलिस ने जब्त किया, जिसे आरोपी करीब 16,000 रुपए में बेचने के लिए आया था। वही थाना प्रभारी विनोद दीक्षित ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी नर्सिंग कॉलेज का होना है। वही थाना प्रभारी विनोद दीक्षित ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी नर्सिंग कॉलेज का होना बता रहा है। अगर आरोपी ने रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के लिए लिया है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ सर, एक इंजेक्शन को लेकर के एक मामला सामने आया, किसी युवक को पकड़ा है जो किसी प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में कर्मचारी है। क्या है मामला इस संबंध में? अभी सूचना ये मिली, सोहेब शेख का नाम का व्यक्ति है जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन जिसकी बहुत डिमांड चल रही है कोविड काल में, उसको उसके लिए किसी से उसने बात की थी 16,000 रुपये में बेचने की, जिसे पकड़ के थाने लाया, उसकी तस्दीक की जा रही है। अगर वो सख्त पाई जाती है कि उसने ये ऐसा बेचने के लिए या खरीद के कहीं से अधिक रुपये में बेचने के लिए किया है, तो वैधानिक कार्रवाई उसे की जाएगी। हाँ सर, इससे संबंधित विभाग ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह को कोई जानकारी वगैरह? सर अभी कोई जानकारी नहीं मिली, सिर्फ प्रारंभिक जानकारी ये मिली है इसके पास इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन है और ये 16,000 रुपए में बैठते हैं, किसी से बात करें। सर, ड्रग्स विभाग को इसकी कोई जानकारी दी गई आपके द्वारा? इसका मूल विभाग जो है ड्रग्स इंस्पेक्टर से हम चर्चा करेंगे, इसकी रिपोर्ट भेजेंगे, तो उनके अनुसार जो भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इंडेक्स कॉलेज में स्टूडेंट बताया जा रहा है, कहना है कि वो नर्सिंग कॉलेज में, इंडेक्स के नर्सिंग कॉलेज में, लेकिन उसका कन्फर्म नहीं हुआ, उसकी भी तस्दीक की जा रही है।